जय स्तंभ मिश्र महादेव। आप देख सकते हैं जल जो है मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका है, गर्भगृह के अंदर भी पानी संपूर्ण रूप से भरने लगा है। ये जो क्रम है आप देख सकते हैं, जल मंदिर के अंदर धीरे धीरे क्रम से बढ़ रहा है। तो इसी तरह से यह जल जो है महादेव का जलाभिषेक करते हैं दरिया देवता। यह जो है अंदर से जलाधारी के अंदर से आता है और फिर जो है ऊपर से भी दरिया देवता का जल जो है आने लगता है। तो ऊपर से भी आता है, पहले नीचे भर जाता है। सब सर्वप्रथम जो है अंदर आएगा गर्भगृह के अंदर। आप देख सकते हो गर्भगृह में किस तरीके से जल भरा हुआ है, धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका क्रम। और इसी तरीके से संपूर्ण मंदिर जो है जलमग्न हो जाता है। और ये जो क्रम है जल का तिथि के अनुसार होता है, घटता बढ़ता क्रम आता है जल का। लेकिन इस कुंड में जो है दरिया देवता संपूर्ण रूप से जलाभिषेक भर जाता है जल का, तो जलाभिषेक हो जाता है महादेव का। कभी भी दिन में दोनों टाइम आता है, लेकिन कभी भी कम नहीं होगा जल। जल जो है इस कुंड के संपूर्ण में विलीन हो रहता है, जल इस कुंड में भरा रहता है संपूर्ण रूप से। आप जो है दरिया देवता को देख सकते हैं गर्भगृह के अंदर से आ चुके हैं और धीरे धीरे जो है जल जलाभिषेक होने जा रहा है महादेव का। महादेव की जो शिवलिंग है आप देख सकते हैं आधी डूब चुकी है, संपूर्ण रूप से डूबने वाली है। अभी यहाँ जो है इस कुंड में अभी भर जाएगा जल। जय स्तंभेश्वर महादेव। यह जो मंदिर है यहाँ का ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो पानी है, देख सकते हैं आप दरिया देवता आ चुके हैं। दरिया देवता जो है प्रतिदिन, यहाँ का नियम है कि दरिया देवता प्रतिदिन आते हैं यहाँ पर और महादेव का जलाभिषेक करते हैं। आप देख सकते हैं शिवालय में शिवलिंग का अभी 5 से 10 मिनट में जल जो है अंदर प्रवेश करने वाला है। ये जो पानी आ गया है प्रतिदिन आता है, ऐसा ही नियम है। सुबह भी आएगा, शाम को भी आएगा, 24 घंटे में 2 बार जलाभिषेक करते हैं महादेव का। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है तिथि के अनुसार यह पानी आता है। ये जो क्रम है पानी का घटता बढ़ता है, जो आप देख सकते हैं YouTube चैनल पर आप स्तंभेश्वर महादेव डालिए तो YouTube पर ये जो विवरण है स्तंभेश्वर महादेव का काबी कम्बोई गुजरात, यहाँ का विवरण आपको मिल जाएगा YouTube पर देखने के लिए। और स्तंभेश्वर महादेव का शिवालय का जो ऐसा नियम है कि यहाँ पर जो है जैसे आज ये 8 बजे का नियम हुआ पानी आने का, तो कल जो है 9 बजे आएगा। एक घंटा क्रम के अनुसार घटता है, बढ़ता जाता है पानी। कल 7 बजे आया था, आज 8 बजे आया है और कल जो है 9 बजे आएगा पानी। इसी क्रम के अनुसार यह पानी चलता रहता है निरंतर। और दिन का पानी नाइट में आ जाता है, नाइट का पानी डे में। मतलब ये जब एक एक घंटा लेट होगा तो नाइट का पानी डे में आ जाएगा। इसी तरह से ये पानी आता है और आज जो है पानी यहाँ तक आएगा, ऐसा तिथि के अनुसार माना जाता है। तिथि के अनुसार ही यह आता है पानी, बिल्कुल राइट होता है। जिस तरह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा 15 दिन कृष्ण पक्ष में जो है घटता है और शुक्ल पक्ष में जो है धीरे धीरे क्रम से चंद्रमा का उदय होता है, ठीक उसी प्रकार ये पानी घटता बढ़ता है। 15 दिन घटेगा, 15 दिन बढ़ेगा। ये पानी का क्रम जो है तिथि के अनुसार होता है। अमावस्या को जो है 3 बजे आएगा पानी और पूर्ण संपूर्ण रूप से अमावस्या हो या पूर्णिमा हो पानी फिर बढ़ता जाता है। पंचमी तक जो है पानी पूरा मंदिर में भरा रहता है। मंदिर पूर्ण संपूर्ण रूप से आप जो स्तंभ देख रहे हैं वहाँ कबूतर बैठा है, यहाँ तक पानी भरा रहता है संपूर्ण रूप से। और यहाँ जो है दरिया देवता दोनों टाइम अभी जलाभिषेक करते हैं। 5 पांडव जो है यहाँ पर सतयुग के समय पर जो है मतलब द्वापर युग में उनका जो भीम का पुत्र है बरबरी यहाँ पर रहा है माना जाता है। कौमारी का खंड में स्कंद महापुराण में इस कथा का उल्लेख है कि यहाँ पर जो है बरबरी रहे हैं, तपस्या की है और यहीं पर जो है सिद्धियाँ उन्होंने आने को प्राप्त की हैं। जो है एक बार उनका 5 पांडवों का यहाँ पर आना हुआ था, 5 पांडव यहाँ आए थे और एक बार जो है भीम ने हस्त और प्रक्षालन करके यहाँ पर जो है जल जो है गिरा दिया था। तो बरबरीक जो थे उनके मतलब जो नाती थे बरबरीक जो थे उन्होंने जो है इस पर क्रोधित होकर उनको जो है बताया कि आपने जो है यहाँ पर मल त्याग किया है, यह मही सागर संगम गुप्त तीर्थ है, यहाँ पर कोई भी मल त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे वह दुनिया का संसार का कोई भी तीर्थ हो, वहाँ पर हाथ आदि धोकर मल त्याग करके नहीं जाना चाहिए। तो पांडवों से उन्होंने विरोध किया इसका और उन्हें जो है युद्ध के लिए ललकारा बरबरीक ने, भीम से युद्ध किया। उन्हें पता नहीं था कि यह जो है मेरे दादा हैं और युद्ध किया। युद्ध करने पर महादेव आकर साक्षात उन्होंने कहा कि हे भी बरबरीक इन्हें छोड़ दो, यह जो है आपके दादा हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई मुझे यह मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ जो है
यहाँ आपने ये तिरस्कार किया है, आपका अपराध किया है, यहाँ पर मल त्याग करके तुम्हें इनको जो है दंड दे रहा था। महादेव ने जब उन्होंने उनसे बोला तब उन्होंने जो है क्षमा किया और प्रायश्चित किया पांडवों ने यहाँ पर तपस्या की। कई मुनियों ने, कपिल आदि मुनियों ने यहाँ पर रहे हैं, तपस्या की है। यह जो है तपोभूमि है, कार्तिकेय स्वामी जी यहाँ पर रहकर शिवलिंग का स्थापना की है। हमने अभी आपको बताया था यह तपोभूमि है, महिसागर संगम गुप्त तीर्थ। और यहाँ के बारे में जो है विद्यानंद जी महाराज यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। आप जो अभी देख रहे हैं यह मंदिर नहीं था। अभी 20-30 साल के लगभग में, 50 साल के लगभग में यहाँ पर जो है प्रसार हुआ है। यह जो प्रचार प्रसार है स्वामी विद्यानंद जी महाराज के द्वारा यहाँ हुआ है, और स्वामी विद्यानंद जी महाराज ने ही यहाँ का प्रचार प्रसार किया है। आप देख सकते हैं इस मंदिर का जो निर्माण है किस तरह से हुआ है। यहाँ पर ट्रस्ट संचालन किया उन्हीं के द्वारा यह ट्रस्ट चल रहा है, और इस मंदिर का संचालन जो है विद्यानंद स्वामी जी के द्वारा ही होता है। उन्हीं के द्वारा यहाँ का प्रचार प्रसार हुआ है, उन्हीं की ही मतलब अभिलना से यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार इस तरह से हुआ कि हर श्रावण में पूरे महीने मेला लगता है। और महादेव की ऐसी कृपा है कि जब यहाँ मंदिर भी नहीं था तब भी यहाँ लोग लाखों तादाद में आते थे और महादेव का दर्शन करते हैं और मतलब कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। यह महीसागर संगम गुप्त तीर्थ जो है इसके बारे में आप स्कंद महापुराण कुमारी का खंड में आप देख सकते हैं। जय महादेव।